भाई अपडेट के बाद पोकेमोन गो में ढेर सारा प्रॉब्लम आ रहा है। कैसे प्रॉब्लम आ रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है सब बताता हूं। जैसे देखो ज्यादातर अभी मुझे जो कमेंट मिलता है लाइव स्ट्रीम में, लाइव चैट मिलता है, क्या प्रॉब्लम है भाई, लैग इशू। मेरा जो गेम है वो अपडेट के बाद बहुत ज्यादा लैग करता है। अभी ये लैग क्यों होता है भाई, लैग का रीजन क्या है, इसको कैसे आप सॉल्यूशन कर सकते हो वो भी बताऊंगा। सिर्फ लैग नहीं भाई, यहां पर ढेर सारा प्रॉब्लम है। जैसे जब आप गेम को लॉग इन करते हो उस टाइम में भी कुछ प्रॉब्लम होता है, लॉगिन इशू होता है। उसके बाद देखो उसके बहुत लोग रेड करने जाते हो, रेड से बाहर निकल जाते हो, इसका क्या प्रॉब्लम है। उसके साथ साथ भाई अभी फिलहाल के लिए बैटल रिक्वेस्ट, आप लोगों को पता है आप एक दोस्त को बैटल करने के लिए रिक्वेस्ट भेज सकते हो पोकेमोन गो में, तो वो बैटल रिक्वेस्ट भी दोस्त के पास नहीं जा रहा है। तो ये सब जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन क्या है अभी मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं। हेलो फैमिली, कैसे हो, स्वागत है पोकेचुए के एक नए वीडियो में। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल देखो हम लोग जो नॉर्मल प्रॉब्लम है उसको लेके बात करते हैं। जैसे लॉगिन इशू, भाई ये जो लॉगिन इशू है हर एक अपडेट के बाद होता है, इसका एक सॉल्यूशन है मैं आपको बताता हूं। वो सॉल्यूशन क्या है, वो है वेट करना। कैसे भाई, जब भी आपको लॉगिन इशू होगा, जैसे इरोर आएगा या साइन आउट का ऑप्शन आपको मिलेगा, आप चाहते हो तो साइन आउट करके फिर से लॉगिन कर सकते हो, वो टाइम में भी कभी कभी लॉगिन हो जाता है। अगर लॉगिन नहीं हो रहा है तो आप 3-4 बार ट्राई करो एंड उसके बाद थोड़ा सा वेट करो। अभी आप देख रहे हो भाई वेट करने के बाद भी आपका प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा है, देन आपको क्या करना है, ऐप को अनइंस्टॉल करना है, देन रीइंस्टॉल करना, 100% ये सही हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है भाई, मैं जब रेड करने जाता हूं ऑटोमेटिकली मैं रेड से बाहर निकल जाता हूं, ये कोई ग्लिच नहीं है भाई। ये जो प्रॉब्लम होता है इसका वन एंड ओनली रीजन है कूल डाउन। भाई जब आपको कूल डाउन लग जाएगा, कूल डाउन कब लगता है, आपने एक तुरंत एक लोकेशन को, मतलब किसी लोकेशन में आप प्ले कर रहे थे और आपने कोई 100 IV पोकेमोन देखा या कोई रेड देखा या कोई और रीजन से आप दूसरे कंट्री में चले गए, तो तुरंत आपको कूल डाउन लग जाएगा। और जब कूल डाउन लगता है तब आप ना रेड कर पाओगे, ना पोकेमोन को कैच कर पाओगे, ना पोकेस्टॉप को स्पिन कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका एक ही सॉल्यूशन है भाई, 2 घंटा आपको गेम बंद करके रखना है, मतलब 2 घंटा आपको वेट करना है। 2 घंटा वेट करने के बाद आपका जो गेम है वो ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा, उसके बाद आप रेड कर सकते हो। बट गाइज अगर आप कूल डाउन को अवॉइड करना चाहते हो तो उसके ऊपर एक वीडियो मेरा अपलोडेड है, तो गाइस उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देता हूं, जाके चेकआउट कर लेना, ये दिक्कत आपको कभी भी नहीं होगा। अभी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है बैटल रिक्वेस्ट। भाई देखो ये जो बैटल रिक्वेस्ट का प्रॉब्लम है, फर्स्ट प्रॉब्लम क्या था मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट प्रॉब्लम हर एक अपडेट के बाद आता है, तो ये उतना कोई ग्लिच या कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आसानी से सॉल्व हो जाता है जो लॉगिन इशू। उसके बाद जो मैंने आप लोगों को क्या बताया, उसके बाद बताया कूल डाउन के वजह से जो हो रहा है, अभी जो प्रॉब्लम है वो बेसिकली बिल्कुल ग्लिच है। क्या अभी फिलहाल के लिए अपडेट के बाद जब आप कोई भी आपका जो दोस्त है उसको रिक्वेस्ट भेज रहे हो, रिक्वेस्ट नहीं जा रहा है, बैटल रिक्वेस्ट नहीं जा रहा है, ये बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। एंड हम लोगों का जो टूर्नामेंट होने वाला था वो भी शायद पोस्टपोन्ड हो सकता है यही प्रॉब्लम की वजह से। गाइस जो मेरा टूर्नामेंट मैनेजर है उन्होंने कल मुझे मैसेज किया था कि भाई अभी जो रिक्वेस्ट सेंड का प्रॉब्लम चल रहा है, अगर ऐसा प्रॉब्लम होगा तो हम लोग कैसे टूर्नामेंट करेंगे, कैसे दोस्तों को बैटल रिक्वेस्ट भेजेंगे, ये तो दिक्कत होगा ही। तो ये एक बेसिकली ग्लिच है, अपडेट के बाद ये ग्लिच आ चुका है। ये कैसे ठीक होगा, ये अपने आप ठीक होता है, ग्लिच या बग अपने आप ठीक होता है। जब ग्लिच होगा तो पोकेमोन गो के पास ये रिपोर्ट जाएगा कि भाई इसमें ये प्रॉब्लम हो रहा है, पोकेमोन गो ऑटोमेटिकली इसको सॉल्व करेगा, जो डेवलपर्स है वो लोग इसके ऊपर काम करेंगे एंड इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सिंपल। ये जो ग्लिच होता है ये आप खुद सही नहीं कर सकते, ये ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। तो गाइज यही था प्रॉब्लम। अभी गाइज नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो सबके साथ हो रहा है, लैग प्रॉब्लम। तो ये लैग प्रॉब्लम को भाई फिक्स कैसे करें, अभी मैं आपको बताने वाला हूं आप कैसे फिक्स कर सकते हो। तो उससे पहले एक काम कर देना, अगर आप लोग चैनल में नए हो तो चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर दो एंड गाइज ये वीडियो में लाइक जरूर कर देना। वीडियो का लाइक हम लोग 400 लाइक रखने वाले, तो 400 लाइक जरूर कंप्लीट कर देना। मेरा गला थोड़ा सा भाई बैठ चुका है क्योंकि सर्दी के बाद सबको पता है भाई रिकवर हो चुका हूं, बट फिर भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। एंड अगर आप लोग फेसबुक यूज करते हो तो फेसबुक पेज में जाके मुझे फॉलो कर सकते हो, मेरा जो फेसबुक पेज का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो गाइस देखो लैग का प्रॉब्लम ये सभी के साथ हो रहा है, ज्यादातर अगर आपका जो मोबाइल है उसका अगर रैम एंड प्रोसेसर थोड़ा सा वीक है तो आपको ये प्रॉब्लम ज्यादातर मिलेगा। गाइज आप लोग देख सकते हो जब मैं लाइव स्ट्रीम करता हूं तो मैं जो फोन में, मतलब जो डिवाइस में मेरा जो गेम चलता है उसका प्रोसेसर भी बहुत अच्छा है एंड उसका रैम भी बहुत अच्छा है, इसलिए मुझे कभी भी लैग
फील नहीं होता। और मेरा जो सेकेंड मोबाइल है उसमें जब मैं खेलता हूं उसमें बहुत ज्यादा लैग फील होता है गाइस, क्योंकि उसका प्रोसेसर भी वीक है एंड उसका रैम भी बहुत कम है। तो यही इशू है। अभी देखो अभी क्यों लैग हो रहा है, पहले तो आपको लैग नहीं होता था। अगर आप लोग गेम में देखोगे उसका जो ग्राफिक्स है उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आया मेरे भाई। उसका जो बैकग्राउंड ग्राफिक्स है वो भी बहुत अच्छा हो चुका है। सिर्फ बैकग्राउंड ग्राफिक्स नहीं, अगर आप लोग देखोगे उसमें मूवमेंट भी आपको मिलेगा, पार्टिकल्स हिलता रहता है भाई, फ्लावर्स ग्रास एंड वो जो पीछे जो पेड़ पौधा है वो भी हिलता रहता है। उसके साथ साथ अगर आप लोग वर्ल्ड को मैप को देखोगे तो मैप में भी ढेर सारा कलरेशन में चेंजेस आए। जैसे भाई आप लोग देखो रियलिस्टिक फील हो रहा है, पीछे आप लोग घर देख सकते हो, ढेर सारा चेंजेस आ चुका है भाई पोकेमॉन गो में। इसके वजह से भाई आपको लैग इशू हो रहा है, ग्राफिक्स में बहुत ज्यादा चेंजेस आए। अभी ये धीरे धीरे फिक्स हो जाएगा, ये लैग इशू हमेशा नहीं रहेगा, ये धीरे धीरे फिक्स हो जाएगा, लेकिन उसके लिए भी टाइम चाहिए भाई, टाइम में ये फिक्स हो जाएगा। और गाइज अभी देखो और एक चीज बताता हूं, एक सेटिंग को आप ऑन करके ये जो लैग प्रॉब्लम है उसको कई हद तक सही कर सकते हो। वो सेटिंग आपको एडवांस सेटिंग में मिलने वाला है। तो गाइज वहां पर आपको एक नेटिव रिफ्रेश रेट करके एक ऑप्शन मिलेगा, सिंपली उसको इनेबल कर देना, आपका जो लैग का प्रॉब्लम है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। लेकिन देखो अगर डिवाइस का जो रैम है एंड प्रोसेसर है थोड़ा सा वीक है तो आपको थोड़ा सा लैगी फील होगा। लैगी फील ज्यादा कहां पर होता है, जहां पर ज्यादा पोके स्टॉप है, ल्यूर मॉड्यूल एक्टिवेट है एंड गाइस ज्यादातर करके कम्युनिटी डे एंड स्पॉटलाइट आवर, जब बहुत ज्यादा करके पोकेमॉन स्पॉन होता है तो लैग फील आपको जरूर होगा। तो गाइस कमेंट करके जरूर बताना। तो चलो गाइस आज के लिए इतना ही था वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो में लाइक कर देना, चैनल में नया तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।